छतरपुर जिले के नौगांव में शुक्रवार की रात न्यूनतम तापमान 0.2 दर्ज किया गया। तापमान में अचानक आई गिरावट से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने या मजदूरी के लिए बाहर निकले लोग आग का सहारा ले रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया है कि फिलहाल तापमान में और गिरावट आएगी, आने वाले समय में लोगों को ठंड का प्रकोप देखने को मिल सकता है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहने, बिना वजह घर से बाहर ना निकले और अगर बाहर निकल ही रहे हैं तो आग और अलाव का सहारा लें। नौगांव नगर में तापमान 0 से नीचे पहुंच जाने के कारण छतरपुर प्रदेश का सबसे ठंडा शहर बन गया है और मौसम वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं कि आने वाले 24 घंटे में मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। क्या नाम है आपका? कैसी ठंड पड़ रही है? आप काम भी कर रहे हैं और बगल में आग भी जलाए हैं, कैसे दिन गुजर रहे हैं? कैसे गुजर रहे हैं वो तो गुजर नहीं। ठंड से क्या समस्याएं आ रही हैं? कौन हल करेगा? काम काज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसका? जो आता है उतनी में फंसे। नगर पालिका की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है? जी है, जहाँ पे गलती हो रही गली में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य सिंह सोलंकी है। आदित्य जी, ठंड कैसी पड़ रही है? गाँव में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। आज हमारे यहाँ का तापमान 0.2 डिग्री है, जो कि नौगांव वासियों के लिए बहुत ही ठंड ज्यादा पड़ रही है। इसलिए हम लोग सब लोग आग के सहारे अपना समय निकाल रहे हैं। आने वाले दिनों में आदित्य जी ठंड और पड़नी है, कैसे रहेंगे आप लोग? भैया सब लोग बैठे हैं, हम लोग अब आग के सहारे ऐसे ही निकलेंगे आगे। आने वाले दिनों में कैसा मौसम रहेगा? सर, नौगांव में रात का जो तापमान है वो काफ़ी नीचे गिर गया, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? सर, कल तक मौसम ऐसे ही रहेगा, उसके बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है जिससे तापमान में बढ़ोतरी आएगी। उसके बाद फिर पश्चिमी विक्षोभ गुजर जाने के बाद तापमान काफ़ी नीचे गिरेगा। आने वाले दिनों में तापमान और गिर सकता है? यस सर। लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? लोगों को मैं यही कहूँगा कि अभी गर्म कपड़ा पहने और अलाव का सहारा लें, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है। और किसान भाइयों को मैं यही कहूँगा कि पाला पड़ने की आशंका बनी हुई है, अतः किसान भाई अपने खेतों में हल्की सिंचाई करते रहें और खेत के मेड़ों में धुआं करते रहें।